जानते हैं कोरोना वायरस पूरे हिंदुस्तान में बहुत तेज़ी से फैला हुआ है। उसके बाद अगर हम जम्मू कश्मीर यूटी की बात करें तो जम्मू कश्मीर यूटी में भी बहुत सारे केसेस हमारे सामने आ चुके हैं। उसके बाद अगर हम डोडा डिस्ट्रिक्ट की ओर आपको लेके चलें तो डोडा डिस्ट्रिक्ट में कोई भी केस पॉजिटिव नहीं आया है, मगर उसके चलते कहीं ना कहीं लोगों की बहुत शिकायतें हैं। और अगर हम आपको डिस्ट्रिक्ट डोडा की पब्लिक की ओर लेके चलें तो कुछ लोगों का ये भी कहना है, जो हमारे शॉपकीपर्स का ये कहना है कि दुकान बंद रहने की वजह से, लॉकडाउन होने की वजह से हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ा। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर हम बाजार आए भी तो हम यहाँ आके क्या करें, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त हमें रिस्ट्रिक्शंस के साथ रखा जा रहा है, सिर्फ 3-3 घंटों की डील दी जा रही है। तो इसी सिलसिले में आज हम बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर प्रेसिडेंट भी मार्केट के इस टाइम, उनसे भी हम जानकारी लेंगे क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर। सर, सबसे पहले आपका नाम? सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जनाब। सर, क्या कहेंगे आप जिस तरीके से लॉकडाउन पूरे हिंदुस्तान में, उसके बाद अगर हम डिस्ट्रिक्ट डोडा की भी बात करें, यहाँ पर भी मार्केट जो है बंद रही, तो सबसे पहले मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, कितना नुकसान हुआ इस बीच? सर, फिलहाल तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से अपील करना चाहूँगा कि डोडा ग्रीन एरिया आ रहा है, ग्रीन, इसमें जो दुकानें बंद हैं किस कारण बंद हैं, क्यों बंद हैं? एसेंशियल सर्विस वाले अगर वो 5 बजे भी दुकानें खोलें वो तब भी काम कर सकते हैं। इसमें रहे रेडीमेड वाले, ये हार्डवेयर वाले, शूज़ वाले, कॉस्मेटिक वाले, इनको टाइम दिया गया है 2-5। 2-5 इधर मक्खी भी नहीं होती है, दुकानदारों ने करना क्या है? इससे अच्छा अगर मार्केट बंद ही है तो ठीक है, एसेंशियल सर्विस अगर 2-5 भी हो तो वो चलेगा। लोगों ने आना है, राशन लेना है, खाने पीने की चीज़ें लेनी हैं, लेकिन जो ये बाकी दुकानें हैं इनका अगर हो सके तो हम एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से अपील करते हैं 10-2 हो, या हो सके तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की मर्ज़ी हो तो पूरे दिन इजाज़त दे खोलने की। तो और एक और अपील है, जो हमारे दूर दराज गाँव के इलाके हैं, हमने काफ़ी हर जगह कॉन्टैक्ट किए, हमारे दूर दराज गाँव के इलाकों में इस टाइम लोगों के पास राशन नहीं है, सब्जियां नहीं है, मीट वगैरह नहीं है, तो ये बोल रहे हैं कि गाँव में सर्विस पहुंच रही बराबर, हमें लगता नहीं कि सर्विस पहुंच रही है, अगर पहुंचे तो वो लोग, मतलब कहीं भी हमारे दूर दराज इलाकों में कॉन्टैक्ट हैं, वो हमसे यही बोलते हैं कि हमारे पास राशन नहीं है, पूरी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से अपील करते हैं, जो हमारे पहाड़ी एरियाज़ है, गांव वगैरह, इनसे जो भी गाड़ियां आती हैं इनको कम से कम सिटी में दाखिल होने की इजाज़त दी जाए, ताकि ये लोग भी आएँ सिटी में, अपने खरीदो फरोख कर पाएँ, ज़रूरी सामान ले सकें। तो एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से हमारी यही अपील है कि हमारे दूर दराज गाँव वाँव के इलाकों को ये सिटी में आने की इजाज़त दी जाए, ताकि जो सिटी बिजनेस, सिटी में बिजनेस बंद हुआ है, बिजनेस भी चल पड़े और उन लोगों की ज़रूरतें भी पूरी हो जाएं। नुकसान की बात करें तो इस बीच कितना नुकसान हुआ सर? आपको? अगर छोटे से छोटा दुकानदार भी हो तो मिनिमम 5-10 हज़ार एक दुकानदार की एवरेज रख लीजिए आप, उस हिसाब से आप देखें डोडा में छोटे दुकानदार कितने हैं, तो बड़े दुकानदार, बड़े तबके के दुकानदार कितने हैं, जिनकी 1 लाख भी सेल है, 2 लाख भी सेल है, तो इस हिसाब से कितना नुकसान है, करोड़ों में नुकसान हुआ है डोडा में। हम तो एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करेंगे कि हमारा एरिया ग्रीन है, इसमें जो हमारे दूर दराज गाँव के इलाके हैं इनसे जो गाड़ियाँ आती हैं इनको कृपया इजाज़त दी जाए सिटी में आने की। सर, आपका नाम? साजिद हुसैन। साजिद जी, क्या कहेंगे आप जिस तरीके से रमज़ान का पाको मुकद्दस महीना भी चल रहा है, उसके चलते क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा डोडा में? मुश्किलों का सामना तो बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, क्योंकि बिजनेस भी बंद है, बाकी चीज़ें भी बंद हैं, और क्योंकि एसेंशियल चीज़ें जो खुल रही हैं उसकी वजह से उनका जो मतलब एसेंशियल चीज़ें हैं, सब्जी की दुकान है, किरियान की है, वो तो लोगों ने लेना ही लेना है। उसके बाद हमारे जैसे बाकी जो शूज़ वाले हैं, रेडीमेड वाले हैं, बाकी कॉस्मेटिक वाले हैं, उनका भी मतलब उनको भी 10 से पहले ही अगर खोल सकते हैं, 10 से 2 बजे तक खोल लें तो ज़्यादा मतलब शुक्रिया होगा एडमिनिस्ट्रेशन का और डीसी साहब का हमारा।
तो चलिए, ये हमारे साथ थे बरस रोड मार्केट के, जिन्होंने पूरा आपको बताएंगे किस तरीके से मार्केट होनी चाहिए। अभी हमारे साथ और एक स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, ये भी कुछ बताना चाहते हैं। अगर आपको बता दें कि जिस तरीके से 2G इंटरनेट चल रहा है इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में, अगर हम कहीं कहीं की बात करें, अगर हम जम्मू प्रोवेंस की बात करें तो जम्मू प्रोवेंस में हालात बिल्कुल ठीक है और हर एक इंसान को, चाहे वो कोई भी इंसान हो, उसको 4G की जरूरत हो। या अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट को सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि उसकी पढ़ाई का दारोमदार उसी पे है। मगर अगर आप 2G की तरफ देखोगे तो एक चीज को ओपन करने के लिए उसको 4 घंटे लग जाते हैं। इसी सब पे आज हम बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे पास एक स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम गाजी हुसैन मलिक है। तो मैं स्टूडेंट जो हूँ, मैं UPSC एस्पिरेंट हूँ। तो मेरी दिक्कतें ये हो रही हैं कि मुझे अगर कोई लेक्चर 4 घंटे का है तो उसको 8 घंटे में मेरा टाइम स्पेंड हो रहा है। तो ये चीज़ें बहुत परेशानी कर रही है हम लोगों को बाकी अदर स्टेट से। अगर हम एज ए स्टूडेंट सिटीजन हैं इस देश के, तो हमें राइट टू इक्वलिटी भी होनी चाहिए साथ में। आर्टिकल 16 भी हमारे साथ ज़रूरी है। और ये जो इंटरनेट है, ये अभी आजकल के दौर में एक फंडामेंटल राइट भी है। तो मैं मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ टेली कम्युनिकेशन एंड इन सब से अपील कर रहा हूँ कि हम स्टूडेंट जो हैं, इस देश के स्टूडेंट, हमारा फ्यूचर भी इस देश की तरक्की के लिए ही है, ताकि हमारा ये इंटरनेट खोल दिया जाए, ताकि हम भी कुछ अच्छी चीज़ें सीखें जिससे हम इस देश का नाम रोशन और भी कर सकते हैं। तो ये था मेरा पॉइंट नंबर पहला। पॉइंट नंबर सेकेंड ये था कि जो आजकल जो क्राइसिस हैं, जैसे ये एक पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं है, ये जो क्राइसिस अभी चल रही है ये हेल्थ वाली क्राइसिस है। तो इसमें हमें राइट टू इक्वलिटी एक तरीके से लेना है कि इसमें बड़ा और छोटा हमें डिफर नहीं करना है। तो इस वजह से मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप एक अच्छी तरीके से काम चलाइए, ताकि वो अथॉरिटेरियन रिजीम की तरह काम न करे, ताकि उसमें पास जो देते हैं बड़े लोगों को देते हैं और छोटे को नहीं देते हैं। तो ये हमें इस हेल्थ क्राइसिस में नहीं करना है। तो ये चीज़ें मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ कि ये चीज़ें, इन चीज़ों से हमें थोड़ा परहेज करना है। बाकी जो हम सब उम्मीद करते हैं कि इस पैंडेमिक को जल्द से जल्द इस दुनिया से रिमूव करें। थैंक यू। मेरे साथ थे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी बात हमारे सामने रखी कि किस तरीके से 4G की ज़रूरत है इस टाइम, और किन प्रकार से उनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है इस टाइम जम्मू कश्मीर में। तो ये इस वक्त जम्मू कश्मीर से अपील करना चाहते हैं, दक्षिण भारत से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इसको ठीक कर दिया जाए, ताकि हमें दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आप लोग देख रहे थे कैमरामैन जाकिर जी के साथ।